वेलकम टू सबिलास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटकारा कबाब। ये कबाब मैंने ईद पर बनाए थे और सबको बहुत ही पसंद आए, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चटकारा कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें ये चिकन डाल देंगे क्योंकि हमें इसका कीमा तैयार करना है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, एक ब्रेड स्लाइस, इसको चला लेंगे। चिकन का कीमा मैंने तैयार कर लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक, एक प्याज था इसको मैंने फ्राई कर लिया है, इसको डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्रश की हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा और धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे एक अंडा। साथ ही इसमें हम डालेंगे तंदूरी मसाला, जिससे ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये तंदूरी मसाला होममेड है, ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे। सभी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसके हम टिक्की तैयार करेंगे। टिक्की के ऊपर हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे कोटिंग करेंगे, उससे भी टिक्की का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब हम टिक्की बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे किमी के टिक्के बना लेंगे। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे जो कबाब को डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेस्ट देगा। तो इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले रेडी में 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स की है तो आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी कबाब को हम इस मसाले के अंदर कोट कर लेंगे। सभी कबाब पे मैंने कोटिंग कर ली है। ये कबाब आप पहले से भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक ये कबाब बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या जिपलॉक बैग में, या ये भी नहीं है तो आप इसी तरह से इसको प्लेट में सेट कर लें, और इस तरह के पॉलीथीन बैग सबके घर में होते हैं तो इसको इस तरह से रख कर ऊपर से बंद कर देंगे अच्छे से। इस तरह से आप इसको आइस बॉक्स में रख सकते हैं। जब भी आपको कबाब फ्राई कर रहे हैं, फ्रिज से 15-20 मिनट पहले कबाब फ्रिज से बाहर निकाल दें और उसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं। अब ये कबाब हम फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए एक पैन पे या तवे पे ऑयल डाल देंगे। ये कबाब हम रख देंगे। ये कबाब हम एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये कबाब मैंने चिकन के बनाए हैं, आप चाहें तो बीफ या मटन के भी बना सकते हैं, यानी बड़े के भी बना सकते हैं। ये कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आता है। कबाब को दोनों साइड से मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, कीमा भी गल गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे चटकारा कबाब, देखने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटे लग रहे हैं, खाने में भी बेहद टेस्टी हैं। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, त्यौहार पर बना सकते हैं, घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये हरी चटनी तैयार की है, इसमें नींबू के रस की जगह इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है, इससे चटनी का टेस्ट डबल हो गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।